हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और पीएसपीसीएल एलईसी जेई 2019 के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट पार्ट 2.1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 40 क्वेश्चंस जीके के जनरल नॉलेज के। इससे पहले इस सीरीज़ के काफ़ी सारे पार्ट्स आ चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और पीएसपीसीएल एलईसी जेई के लिए अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये सीरीज़ बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। इस सीरीज़ में वही क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिस भी कैंडिडेट ने इन दोनों एग्ज़ाम में से कोई भी एग्ज़ाम देना है उसके पास ये वीडियो पहुँच सके। ये मॉक टेस्ट सीरीज़ शाम को 5:15 बजे लाइव चलती है, आप इसे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो 5:15 पर शाम को। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनको कितने टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है? आपके जो ऑप्शन है वो है 5 साल, 6 साल, 4 साल और 3 साल। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं इनको इलेक्ट किया जाता है 5 सालों के लिए, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, 5 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, 5 साल। प्रेजेंट में जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जो प्रेजेंट टाइम में प्रेजिडेंट हैं उनका नाम है रामनाथ कोविंद। वेंकैया नायडू हैं वाइस प्रेसिडेंट और रामनाथ कोविंद हैं हमारे प्रेसिडेंट। ये कौन से टर्म है इनकी? इनकी है 13th, यानी कि 13वें वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, ये भी याद रखिए। और प्रेसिडेंट जो हैं, जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, वो हैं 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं रामनाथ कोविंद, और 13th वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, 5 साल। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड इन। एक इंदिरा पॉइंट है, आप सभी को पता होगा, नाम आपने सुना ही होगा। ये कहाँ पर लोकेटेड है? आपके ऑप्शन है अलाहाबाद, न्यू दिल्ली, पौंडीचेरी और लास्ट ऑप्शन है आपका निकोबार। जो इंदिरा पॉइंट है ये लोकेटेड है निकोबार में, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए डी ऑप्शन, निकोबार। निकोबार में लोकेटेड है इंदिरा पॉइंट। काफ़ी बारी क्या करते हैं स्टूडेंट को कन्फ्यूज़ करने के लिए, ये ऑप्शन दे देते हैं अंडेमान एंड निकोबार, इसलिए आपने जो आंसर मार्क करना है वो करना है अंडेमान एंड निकोबार। काफ़ी बार स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं अंडेमान और निकोबार में, बात एक ही है, निकोबार इज़ अ पार्ट ऑफ अंडेमान एंड निकोबार। यहाँ पर लोकेटेड है जो इंदिरा पॉइंट लोकेटेड है, इसलिए आपने याद रखना है। ये पंजाब के वेरियस एग्जाम में रिपीट हो चुका है, सो आपने बिल्कुल याद रखना है, इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड इन निकोबार। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया वाज। जो फर्स्ट मुगल एम्परर थे इंडिया में वो कौन थे? आपके ऑप्शन हैं हुमायूं, अकबर, बाबर और लास्ट ऑप्शन है आपका चंगेज़ खान। जो इंडिया में फर्स्ट मुगल एम्परर आए थे वो थे बाबर, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, बाबर थे जो हमारे इंडिया में फर्स्ट मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया था, मुगल एम्परर बने थे फर्स्ट, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, बाबर थे फर्स्ट मुगल एम्परर। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, सभी का आंसर सही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वाज। एक तो होता है फर्स्ट प्रेजिडेंट, इन्होंने फर्स्ट नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है सेकेंड प्रेजिडेंट, यानी कि फर्स्ट के बाद कौन से प्रेजिडेंट बने थे? आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और लास्ट ऑप्शन है आपका फखरुद्दीन अली अहमद। जो सेकेंड प्रेजिडेंट बने थे इंडिया के वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने थे सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो थी बात सेकेंड प्रेजिडेंट की, जो फर्स्ट बने थे उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि इंडिया के कौन से प्रेसिडेंट थे जो फर्स्ट टाइम बने थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द फेमस व्हाइट हाउस इज सिचुएटेड इन। एक फेमस है व्हाइट हाउस, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, कौन से देश में लोकेटेड है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, चाइना और यूएसए। जो व्हाइट हाउस है ये लोकेटेड है यूएसए में, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है जो व्हाइट हाउस है, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा यूएसए। यूएसए की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में दो हेडक्वार्टर हैं, एक तो है आईएमएफ का, उसके बाद एक है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर लोकेटेड है
वॉशिंगटन डीसी में, जो यूएसए की कैपिटल है। ये याद रखिए, दोनों क्वेश्चन हेडक्वार्टर से पूछे जाते हैं, बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन, द नेम ऑफ द सन ऑफ महात्मा बुद्ध वाज, जो महात्मा बुद्धा थे उनके जो सन का नाम था वो क्या था? आपके ऑप्शन है राहुल, रोहित, रोहिताश और लास्ट ऑप्शन है आपका राजन। जो महात्मा बुद्धा थे इनके जो पुत्र का नाम था वो था राहुल, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, राहुल नाम था इनके पुत्रों का, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा राहुल ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पंजाब के वेरियस एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसके बाद ये हरियाणा के वेरियस एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। सो आपने बिल्कुल याद रखना है, महात्मा बुद्धा के जो सन का नाम है वो है राहुल, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव राइज टू द थ्योरी ऑफ, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था इसके आने से किस चीज़ की जो थ्योरी थी वो राइज हुई थी? आपके ऑप्शन है कम्युनिज्म, उसके बाद नेशनलिज्म, थर्ड ऑप्शन है डेमोक्रेसी और लास्ट ऑप्शन है आपका सोशलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने के बाद जो राइज हुई थी थ्योरी वो हुई थी सोशलिज्म की, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, सोशलिज्म इज द राइट आंसर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पंजाब के वेरियस एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तीन से चार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी है। सो आपने बिल्कुल याद रखना है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव राइज टू द थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्थ नंबर क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक रजिस्टेंस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए? आपके ऑप्शन है ओम मीटर, उसके बाद है इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर और लास्ट ऑप्शन है आपका स्पेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है ओम मीटर, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, ओम मीटर यूज़ होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ऐसा कौन सा विटामिन है जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए हेल्प करता है? आपके ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन डी और विटामिन के। जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है उसको रोकने के लिए, यानी कि ब्लड जो बहता रहता है हमारे हाथों पर, जो जहाँ पर भी चोट लगती है उस पर जो ब्लड बहता रहता है उस पर एक परत बन जाती है जिसे हम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो बहना बंद हो जाता है इसके कारण, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन विटामिन के जो है ये हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, यानी कि ब्लड को रोकने के लिए, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन विटामिन के। ये तो वेरी इजी क्वेश्चन था, सभी ने सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंथ नंबर क्वेश्चन, द अजंता केव्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जो अजंता केव्स हैं ये किस के एम्पायर पर एस्टैब्लिश हुई थी, बिल्ट हुई थी? आपके ऑप्शन है गुप्ताज, कुशानाज, मौर्याज और लास्ट ऑप्शन है आपका चालुक्याज। जो अजंता केव्स हैं ये बिल्ट हुई थी किसके पीरियड में, किसके टाइम पीरियड में? आपके ऑप्शन है गुप्ताज, कुशानाज, मौर्याज और लास्ट ऑप्शन है आपका चालुक्याज। ये जो अजंता केव्स हैं ये बिल्ट हुई थी ऑन द पीरियड ऑफ गुप्ताज, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, गुप्ताज के समय में एस्टैब्लिश हुई थी, बिल्ट हुई थी जो अजंता केव्स हैं, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन गुप्ताज। गुप्ताज को जो फाउंड किया था वो किया था श्री गुप्ता ने, श्री गुप्ता इज़ द फाउंडर ऑफ जो गुप्ता एम्पायर है इसको फाउंड किया था श्री गुप्ता ने, ये भी याद रखिए। काफ़ी बारी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्टूडेंट, चंद्रगुप्ता मौर्य का नाम भी दे देते हैं साथ में, बट अपन को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, श्री गुप्ता इज़ द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेवंथ नंबर क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर इंशाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में इंश्राइंड है, लोकेटेड है? आपके ऑप्शन है पार्ट वन, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है आपका पार्ट फिफ्थ। जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के में आर्टिकल्स हैं वो हैं 12 से 35 तक का, 12 से 35 तक जो आर्टिकल बिलोंग करते हैं वो करते हैं फंडामेंटल राइट से, इनका जो पार्ट है वो है पार्ट थर्ड, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है वो है पार्ट थर्ड, इसलिए हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन पार्ट थर्ड। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट टॉकी फिल्म प्रोड्यूस्ड इन 1931 बाज, जो फर्स्ट टॉकी फिल्म थी इंडिया की ये प्रोड्यूस हुई थी 1931 में, इस फिल्म का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है नीलकमल, इंदिरा सभा, उसके बाद अलम आरा, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका शन कुटला। जो इंडिया की फर्स्ट टॉकी फिल्म थी उसका नाम था अलम आरा, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन अलम आरा, ये 1931 में बनी थी, ये भी आपने याद रखना है। काफ़ी बारी
ईयर से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको दे देते हैं। जो अलमरा है ये इंडिया की फर्स्ट टॉकी फिल्म है, ये कब प्रोड्यूस की गई थी? उसका आंसर होगा 1931। इसलिए आपने दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। फर्स्ट टॉकी फिल्म जो है वो है अलमारा, ये प्रोड्यूस कब की गई थी? 1931 में। दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, 13th नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिक यूज़ ऑफ हिमालयाज टू इंडिया? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिक यूज़ है हिमालयाज इंडिया के लिए वो कौन सा है? यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट है हिमालयाज के लिए, इंडिया के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रिवेंशन ऑफ इन्वेजन, उसके बाद सेकंड है वैल्यूएबल सोर्स ऑफ टिम्बर, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोटेक्शन इंडिया फ्रॉम आइसी कोल्ड नॉर्थ विंड्स, और लास्ट ऑप्शन है आपका प्रिवेंट द मॉनसून्स फ्रॉम क्रॉसिंग टू द नॉर्थ एंड ऑल्सो सर्व एज अ रिजर्वर ऑफ वाटर फ्रॉम विच अवर पेरिनियल रिवर फ्लो। दिए गए चार ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है आपका वो है डी ऑप्शन। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। हिमालयाज के लिए पूछा गया है, इंडिया के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिक यूज़ है जो हिमालय का है वो कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है इंडिया के लिए। प्रिवेंट द मॉनसून्स, जो मॉनसून्स आते हैं इनको प्रिवेंट करता है, रोकता है। क्रॉसिंग टू द नॉर्थ, नॉर्थ को क्रॉस करने के लिए। उसके बाद एंड ऑल्सो सर्व एज अ रिजर्वर ऑफ वाटर फ्रॉम विच अवर पेरिनियल रिवर फ्लो। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन ये अटैम्प्ट किया होगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। सो आपने याद रखना है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, सो आपने बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ 1 रुपी एंड लोअर डिनोमिनेशंस आर इशूड बाई। जो करेंसी नोट्स होते हैं या फिर कॉइन्स होते हैं 1 रुपये का या उससे कम का, यानी कि 0.5 रुपी, यानी कि 50 पैसे का, 25 पैसे का, इनको डिनोमिनेशन कौन सी अथॉरिटी करती है? आपके ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और लास्ट ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो करेंसी होती है 1 रुपये या फिर इससे छोटी करेंसी होती है इसको इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसको इशू करती है, डिनोमिनेशन करती है। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपने देखा होगा जो 1 रुपये का नोट है उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, ना कि आरबीआई के गवर्नर के। आरबीआई के गवर्नर के काफ़ी बार ये पूछ लेते हैं, जो 1 रुपये का नोट होता है इस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो कौन सी अथॉरिटी करती है? वो होती है फाइनेंस सेक्रेटरी की अथॉरिटी। ये करती है अथॉरिटी इस 1 रुपये या फिर इससे कम की जो करेंसी होती है उस पर सिग्नेचर। आपने ये भी याद रखना है। इसलिए हमारा राइट आंसर है सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, 15th नंबर क्वेश्चन। द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज इज वेस्टेड विद द। जो सुप्रीम कमांड होती है डिफेंस फोर्सेज की वो कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है फील्ड मार्शल, कमांडर इन चीफ, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका प्रेजिडेंट। जो सुप्रीम कमांड होती है डिफेंस फोर्सेस की वो अंडर होती है प्रेसिडेंट के। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, प्रेसिडेंट के पास होती है जो सुप्रीम कमांड की कमांड होती है डिफेंस फोर्सेस की, यानी कि तीनों फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी की सभी जो पावर होती हैं, सुप्रीम कमांड होती है वो होती है प्रेजिडेंट के पास। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16th नंबर क्वेश्चन। द एंशियंट साइट विच कंसिस्ट ऑफ 7 केव्स फेमस फॉर त्रिमूर्ति एंड अदर स्कल्पचर्स इज। उस एंशियंट साइट का नाम पूछा है जिसमें 7 केव्स जो हैं काफ़ी फेमस हैं फॉर द त्रिमूर्ति एंड अदर स्कल्पचर्स, यानी कि त्रिमूर्ति और अदर स्कल्पचर के लिए फेमस है, ये कौन सी एंशियंट साइट है? आपके ऑप्शन है अजंता केव्स, उसके बाद एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, और लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। इस एंशियंट साइट का नाम है एलिफेंटा केव्स। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, एलिफेंटा केव्स जो है ये फेमस है फॉर त्रिमूर्ति एंड अदर स्कल्पचर्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये क्वेश्चन पंजाब से एग्जाम से ही उठाया गया है, सो आपने बिल्कुल याद रखना है, एलिफेंटा केव्स इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर विनायक सेन अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट इज। जो विनायक सेन है डॉक्टर, ये सिविल राइट्स हैं किसके लिए? आपके ऑप्शन है पेडियाट्रिकेशन, सर्जन, उसके बाद न्यूरोलॉजिस्ट, और लास्ट ऑप्शन है आपका कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर विनायक सेन जो हैं ये सिविल राइट्स हैं एक्टिविस्ट, पेडियाट्रिशियन। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, पेडियाट्रिकेशन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पंजाब से उठाया गया है, पंजाब के वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, सो आपने याद रखना है, पेडियाट्रिकेशन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन।
मैच द फॉलोइंग, एक पास जो गिवन है वो है गुरुज, उसके बाद सेकंड तरफ गिवन है वाइफ्स, यानी कि इन गुरुज की वाइफ्स हैं, दूसरी साइड गिवन है। इन्होंने पूछा है कौन सी जो वाइफ है वो किस गुरु की है। सबसे पहले गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु तेग बहादुर जी, और लास्ट ऑप्शन है आपका गुरु अर्जन देव जी। उसके बाद यहाँ पर सामने गिवन है माता मनसा देवी जी, बीबी गंगा देवी जी, उसके बाद बीबी खीवी जी, और लास्ट ऑप्शन है आपका माता गुजरी जी। इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ। गुरु अंगद देव जी की जो पत्नी का नाम था वो था बीबी खीवी जी, इसलिए फर्स्ट जो है वो मैच होगा सी के साथ। उसके बाद गुरु अमरदास जी जो हैं इनकी पत्नी का नाम है माता मनसा देवी जी, इसलिए सेकंड जो गुरु हैं ये मैच होंगे ए के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी का नाम था माता गुजरी जी, इसलिए ये मैच होंगे माता गुजरी जी के साथ, डी ऑप्शन के साथ। उसके बाद गुरु अर्जन देव जी, गुरु अर्जन देव जी की पत्नी का नाम था बीबी गंगा देवी जी, इसलिए इनका मैच होगा बी ऑप्शन के साथ। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका मैच होता है, फर्स्ट फर्स्ट का सी है, उसके बाद सेकंड का जो है वो है ए, सेकंड का ए है, उसके बाद थर्ड का डी है, थर्ड का डी है, उसके बाद फोर्थ का है बी, फोर्थ का बी है। फर्स्ट सी, टू ए, उसके बाद 3D, उसके बाद 4B, यही हमारा राइट आंसर बनेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, 1A, 1C, 2A, 3D, 4B। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन ये अटैम्प्ट किया होगा, कम से कम एक क्वेश्चन गुरु से जरूर आता है, सो आपने याद रखना है। सिख रिलीजन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, सो आपने बिल्कुल याद रखना है, कम से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे आप PSPCL का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर प्लांट इज कमिंग अप एट, जो इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर प्लांट है ये कहाँ पर लगाया गया था। आपके ऑप्शन है रूपनगर, बठिंडा, जलंधर, और लास्ट ऑप्शन है आपका अमृतसर। जो इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर प्लांट है ये बनाया गया था अमृतसर में, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, अमृतसर में बना था जो फर्स्ट सोलर पावर प्लांट बना था इंडिया का, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, अमृतसर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, सो आपने याद रखना है फर्स्ट सोलर पावर प्लांट जो है ये लोकेटेड है अमृतसर में, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब में। काफ़ी बारी पूछते हैं स्टेट कौन सी में लोकेटेड है, तो आपने याद रखना है पंजाब, पंजाब में लोकेटेड है जो फर्स्ट सोलर पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, द एटमोसफियर इज डिवाइडेड इन टू होमोस्फियर एंड हेट्रोस्फियर, द होमोस्फियर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ। इन्होंने बताया है जो एटमॉस्फियर है ये डिवाइड होता है होमोस्फियर और हेट्रोस्फियर में। इन्होंने पूछा है जो जो होमोस्फियर है इसकी जो हाइट है वो कितने किलोमीटर तक है। आपके ऑप्शन है 18 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका 300 किलोमीटर्स। जो होमोस्फियर की जो हाइट है वो है 90 किलोमीटर तक की, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, 90 किलोमीटर तक की हाइट है होमोस्फियर की, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, अंडर हुज चेयरमैनशिप अ कमेटी हैज़ बीन मेड टू ड्राफ्ट अ न्यू नेशनल वाटर पॉलिसी, जो किसकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई है ताकि वो एक नेशनल वाटर पॉलिसी है उसको रिव्यू कर पाएँ, उसको बनाए पाएँ। आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं इंद्रजीत सिंह, उसके बाद मोंटेक आलूवालिया, थर्ड है जसवंत सिंह, और लास्ट ऑप्शन है आपका मिहिर सेन। जो ये कमेटी बनी है इसके जो चेयरमैन बने हैं वो हैं मिहिर सेन, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, मिहिर सेन बने हैं जो नेशनल वाटर पॉलिसी को रिव्यू करूंगी, इसके लिए जो कमेटी बनी है इसके चेयरमैन बने हैं मिहिर सेन, इसलिए हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन, मिहिर सेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से क्वेश्चन ये उठाया गया है, सो आपने याद रखना है, क्योंकि आप सभी को पता है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क का जिसने एग्ज़ाम देना है कम से कम चार, कम से कम 4 से 5 करंट अफेयर जरूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में, हो सकता है इससे ज़्यादा आए बट कम से कम 4 से 5 जरूर आएंगे। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, अब 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप टू रिजॉल्व द अयोध्या इशू। आपको पता है अयोध्या में एक डिस्प्यूट चल रहा था काफ़ी सालों से, जो सुप्रीम कोर्ट है इसने 5 जज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है, इसमें जो इंक्लूड हैं कौन से जो जज हैं इसमें इंक्लूड नहीं है इस बेंच में, यानी कि इसको रिजॉल्व करने के लिए एक बेंच तैयार किया गया था। उसके जो चेयरमैन बने थे वो आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे हमारे रंजन गोगोई जी। इन्होंने पूछा है कौन से जज थे जो इसमें इंक्लूड नहीं थे। आपके ऑप्शन है रंजन गोगोई, अशोक माथुर, उसके बाद DY चंद्रचूड़, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका SA बोबड़े। इसके जो मेंबर नहीं बने थे वो थे अशोक माथुर,
इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, अशोक माथुर नहीं थे इस पांच जजीय जो कमेटी बनी थी। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अशोक माथुर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको पांचों जजों का नाम बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सबसे पहले हैं रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे अब तक, अब बन गए हैं एस ए बोबड़े। क्या आप मुझे कमेंट में लेके ये बता सकते हो ये किस टर्म के चीफ जस्टिस बने हैं, यानी कि आपने बताना है 44 में है, 45 में है, 46 में है, 47 में है। इन चारों ऑप्शन में से आपने बताना है कौन से नंबर के हैं जो एस ए बोबड़े चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के। सबसे पहले रंजन गोगोई जी, उसके बाद अशोक भूषण, डी वाई चंद्रचूड़, उसके बाद एस ए बोबड़े, उसके बाद लास्ट है एस अब्दुल नाजिर। इन पाँचों को इलेक्ट किया गया है जो कमेटी बनी थी जो अयोध्या का इशू चल रहा था काफ़ी सालों से उसको रिजॉल्व करने के लिए। मैं रिपीट कर देता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। रंजन गोगोई, अशोक भूषण, डी वाई चंद्रचूड़, एस ए बोबड़े, एस अब्दुल नज़ीर, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। ऑन 15 जुलाई 2010 इंडिया अडॉप्टेड अ न्यू साइन ऑफ रुपी। आपको पता है इंडिया ने एक रुपी का जो साइन था इस टाइप का अडॉप्ट किया था, इसको डिज़ाइन किसने किया था? हु डिज़ाइंड दिस न्यू साइन ऑफ रुपी? आपके ऑप्शन है दुधाया कुमार, संजय कुमार, विनीत कुमार, और लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ ऑल ऑफ द अबव। जो इंडिया का न्यू साइन है रुपी का, इसको जो डिज़ाइन किया था वो किया था दुधाया कुमार ने। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, दुधाया कुमार ने इसको डिज़ाइन किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है पंजाब के वेरियस एग्जाम में क्योंकि ये क्वेश्चन इकोनॉमिक से उठाया गया है। सो आपने याद रखना है दुधाया कुमार ने जो न्यू साइन था रुपये का इसको डिज़ाइन किया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अडॉप्ट भी किया था। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, दुधाया कुमार, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। भारत निर्माण प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2005। जो भारत निर्माण प्रोजेक्ट है ये 2005 में लॉन्च किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्रोजेक्ट? कौन सा जो पॉइंट है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था जब ये 2005 में लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है इरीगेशन, रोड, इलेक्ट्रिफिकेशन, उसके बाद लास्ट है डी ऑप्शन पंचायत डेवलपमेंट। इसमें जो इंक्लूड नहीं किया गया था वो था पंचायत डेवलपमेंट। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, पंचायत डेवलपमेंट को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, पंचायत डेवलपमेंट। कौन कौन से जो पॉइंट थे वो इंक्लूड किए गए थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। सबसे पहले इरीगेशन, इरीगेशन, उसके बाद रोड, आवास, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड टेली कम्युनिकेशन। इन सभी को इंक्लूड किया गया था जो 2005 में जो भारत निर्माण प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 2005 में। काफ़ी बारी ईयर भी पूछा जा चुका है सो आपने याद रखना है भारत निर्माण प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 2005 में, 2005 में। ये सारे जो पॉइंट हैं इंक्लूड किए गए थे, इरीगेशन, रोड, आवास, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड टेली कम्युनिकेशन। याद रखिए ये क्वेश्चन PCS के एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, हरियाणा के भी और पंजाब के भी, सो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। नेशनल इंजीनियर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन ऑन विच एवरी ईयर? एवरी ईयर जो नेशनल इंजीनियर्स डे है ये कब मनाया जाता है? हर साल। आपके ऑप्शन है 12 सितंबर, 13 सितंबर, उसके बाद 14 सितंबर, लास्ट है 15 सितंबर। जो नेशनल इंजीनियर्स डे है वो मनाया जाता है 15 सितंबर को। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे। क्या मुझे कमेंट में लिख के ये बता सकते हो जो नेशनल इंजीनियर्स डे है ये हम किस पर्सन के बर्थडे पर मनाते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से पर्सन है जिसके बर्थडे पर हम मनाते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को एवरी ईयर। इसका जो 2019 का थीम है वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, इंजीनियर्स फॉर चेंज। इंजीनियर्स फॉर चेंज 2019 का थीम है जो नेशनल इंजीनियर्स डे है 15 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज और थीम से, इसलिए आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स याद रखने हैं। मैंने जनवरी से लेकर अब चल रहा है नवंबर, अक्टूबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हैं सारे के सारे कवर किए हुए हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हो और उसके लिए आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स के नाम से अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, इंपॉर्टेंट डेज और थीम से 2 क्वेश्चन थे, एक था वीक से, यानी कि एक वीक से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 3 टोटल क्वेश्चन आए थे। तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियोज़ में करवाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। कम से कम आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सो आपने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हैं वो चेक करने हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक करो। नेक्स्ट देखिए
26 नंबर क्वेश्चन, वर्धमान ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम, जो वर्धमान ट्रॉफी है ये कौन सी गेम से एसोसिएट है। आपके ऑप्शन है बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, गोल्फ, उसके बाद लास्ट है ऑप्शन आपका जिमनास्टिक। तो वर्धमान ट्रॉफी जो है ये जो एसोसिएट है ये है वेट लिफ्टिंग से एसोसिएट, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, वेट लिफ्टिंग से एसोसिएट है वर्धमान ट्रॉफी, इसलिए हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन, वेट लिफ्टिंग। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, कौन सी ट्रॉफी कौन से गेम के साथ एसोसिएट है। सो आपने सारी की सारी जो ट्रॉफीज़ हैं जो कप्स हैं सारे के सारे याद रखने हैं, कौन सी जो ट्रॉफी है किसके साथ एसोसिएट है। जैसे फॉर एग्जांपल रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सारे किसके साथ हैं, क्रिकेट के साथ। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ वन द US ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप 2019। जो फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप होती हैं हर साल, आपको पता है आई थिंक 24 से 25 ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप हर साल होती हैं। इन्होंने पूछा है जो US ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप हुई है फॉर्मूला वन की, इसको किसने जीता है। आपके ऑप्शन है वल्तारी बोतस, लेविस हैमिल्टन, सेबेस्टियन बैटल, मैक्स वर्स्टैपन। इसको जीता है वल्तारी बोतस ने, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, वल्तारी बोतस। इसकी कार भी याद रखनी है आपने, काफ़ी बारी इनकी कार पूछी जाती है, आपसे पूछा जाएगा जो US ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप है इसको जीता है वल्तारी बोतस ने, ये कौन सी कार के ड्राइवर हैं, ये है मर्सिडी कार के ड्राइवर। सो आपने याद रखना है वल्तारी बोतस की जो कार है वो है मर्सिडी, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, वल्तारी बोतस। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन से अटैम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वाज पार्टिसिपेटेड इन द विंटर ओलंपिक्स इन 2018। 2018 में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे इसमें इंडिया के कौन से प्लेयर थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आपके ऑप्शन हैं शेवा काशवन, उसके बाद जगदीश सिंह, उसके बाद मीराबाई चानू, और लास्ट ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि शिवा केशवन उसके बाद जगदीश सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों, यानी कि शिवा केशवन और जगदीश सिंह, इन दोनों को दोनों ने पार्टिसिपेट किया था जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे 2018 में, विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था इन दोनों ने, शिव केशवन उसके बाद जगदीश सिंह दोनों ने। ये इंपॉर्टेंट है याद रखिए, इंडिया ने कोई भी मेडल नहीं जीता था जो ये गेम हुई थी जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे 2018 में, इंडिया का कोई भी मेडल विनर नहीं रहा था। आपको इनकी गेम भी पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। शिवा केशवन की जो गेम है वो है स्काई, उसके बाद जगदीश सिंह की गेम पूछी जाती है वो है ल्यूज, ल्यूज जो गेम है वो है जगदीश सिंह की, उसके बाद शिवा केशवन की जो गेम है वो है स्काई। ऐसे ऐसे को लिंक करके आप याद रख सकते हो, शिवा से स्काई, उसके बाद जगदीश का आपको पता ही है ल्यूज। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, टेहरी डैम इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, इट इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। जो टेहरी डैम है ये लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, सबसे पहले तो आपने यही याद रखना है। आपसे पूछा जाता है इंडिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, उसका आंसर होगा टेहरी डैम। इन्होंने पूछा है ये कौन सी नदी के किनारे पर लोकेटेड है, यानी कि ऑन द विच रिवर लोकेटेड टेहरी डैम। आपके ऑप्शन है भागीरथी, यमुना, गोमती, और लास्ट है चंबल रिवर। टेहरी डैम जो है ये लोकेटेड है भागीरथी रिवर के कंडे पे, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, भागीरथी रिवर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है याद रखिए, क्या आप मुझे कमेंट में लिख के ये बता सकते हो जो टेहरी डैम है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, यानी कि टेहरी डैम जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। जो 29 स्टेट्स हैं इंडिया की, आई थिंक अब तो 28 रह चुकी हैं क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर था वो अब दो यूटी में तब्दील कर दिया गया है। बताइए कौन सी स्टेट में लोकेटेड है जो टेहरी डैम है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर अटैम्प्ट करोगे। नेक्स्ट देखिए सूर्या, सूर्या इज अ डैश, जो सूर्या है ये क्या है। आपके ऑप्शन है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, सॉलिड बैलिस्टिक मिसाइल, क्विक रिएक्शन, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। जो सूर्या है ये है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है सूर्या जो है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कम से कम दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंसिव फोर्सेज हो गई, उसके बाद जो डिफेंसिस की एक्सरसाइज वगैरह होती हैं उनमें से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं एवरी एग्जाम में। सो आपने याद रखने हैं इनमें से क्वेश्चन आपके दो जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, PSPCL दे रहे हो, उसके बाद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क का दे रहे हो, चाहे आप SSC CHSL CDL दे रहे हो, दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। जो इंटरनेशनल योगा डे है ये हर साल किस डेट को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून। जो इंटरनेशनल योगा डे है ये हर साल मनाया जाता है 21 जून को,
इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। 21 जून को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये भी इंपॉर्टेंट है सो याद रखिए। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन 21 जून। जो इंटरनेशनल योगा डे है इसका जो मेन इवेंट हुआ था वो हुआ था इंडिया के प्लेस रांची में, रांची में हुआ था जो मेन इवेंट हुआ था इंटरनेशनल योगा डे का, रिसेंटली हुआ है 21 जून को इस ईयर 2019 में, ये मेन इवेंट हुआ था रांची में, रांची है झारखंड में, झारखंड की कैपिटल है रांची, वहाँ पर हुआ था जो 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है उसका मेन इवेंट, इसलिए हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया इज, जो सिटी ऑफ लेक्स है इंडिया में कौन सी स्टेट को बोला जाता है, आपके ऑप्शन है सॉरी कौन सी सिटी को बोला जाता है, आपके ऑप्शन है लखनऊ, चंडीगढ़, बेंगलुरु और उदयपुर। जो सिटी ऑफ लेक्स है इंडिया में वो बोला जाता है उदयपुर को, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, उदयपुर को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज होंगे चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर जो है वो है उदयपुर, आप चेक कर सकते हो उदयपुर इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग अकबर रिजाइम हु कैरिड आउट लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, अकबर के समय पे जो लैंड रिफॉर्म्स के रेवेन्यू के काम था सारा, यानी कि फाइनेंस के रिलेटेड जो काम था वो किसके पास था, लैंड रिलेटेड काम था, आपके ऑप्शन है मान सिंह, टोडरमल, बीरबल, तानसेन। जो लैंड का रेवेन्यू वगैरह रिसीव करने का काम था वो था टोडरमल का, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, टोडरमल के पास था अकबर के समय में जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स का काम था, यानी कि जो फाइनेंस के रिलेटेड काम था वो था टोडरमल के पास, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34th नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग द फ्यूचर बुद्धा दैट इज येट टू कम, इन्होंने पूछा है जो फ्यूचर बुद्धा बनेंगे वो कौन बनेंगे आने वाले समय में, आपके ऑप्शन है लोकसवर्ण, मैत्रिया, उसके बाद लाफिंग बुद्धा, चाणक्या। जो फ्यूचर बुद्धा बनेंगे आने वाले समय में वो बनेंगे मैत्रिया, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, मैत्रिया बनेंगे जो फ्यूचर बुद्धा बनेंगे आने वाले समय में, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन, इसलिए आपने याद रखना है जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ वो प्रीवियस पेपर्स में किसी ना किसी एग्ज़ाम में आते हुए हैं, इसलिए आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाता हूँ सारे के सारे आपने याद रखने हैं। आपको पता है जो एग्ज़ाम आता है उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन में से ही उड़ाए होते हैं, इसलिए आपने याद रखना है जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ सो आपने बिल्कुल याद रखने होते हैं, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाएँ। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, यूरी गगरिन द फर्स्ट कॉस्मोनॉट टू रीच स्पेस वाज फ्रॉम विच कंट्री, आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है यूरी गगरिन थे जो फर्स्ट स्पेस पर गए थे, ये फर्स्ट पर्सन थे वर्ल्ड के जो फर्स्ट स्पेस पर गए थे वो थे यूरी गगरिन, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपके ऑप्शन है रशिया, चाइना, जापान, उसके बाद यूके, ये बिलोंग करते हैं रशिया से, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, रशिया से बिलोंग करते हैं यूरी गगरिन, ये फर्स्ट पर्सन बने थे जो गए थे स्पेस पर, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन रशिया। क्या आप मुझे कमेंट में लेके ये बता सकते हो फर्स्ट वुमेन इंडिया फर्स्ट जो वुमेन थी वर्ल्ड की वो कौन गई थी, जो स्पेस पर पहुंचने वाली पहली वुमेन बनी थी और कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी, आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को भी कमेंट बॉक्स में जरूर अटैम्प्ट करोगे। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगन द इंडस वैली साइट इज इन, जो कालीबंगन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक फेमस साइट है, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, आपके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। जो कालीबंगन इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, मेजर साइट है, ये लोकेटेड है राजस्थान में, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, राजस्थान में लोकेटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन की फेमस साइट जिसका नाम है कालीबंगन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन तो सही अटैम्प्ट किया होगा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे उनका क्या नाम था, आपके ऑप्शन है सुकुमार दे, उसके बाद मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है इसको फाउंड किया था मदन मोहन मालवीय ने, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, मदन मोहन मालवीय थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर, इसलिए हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन मदन मोहन मालवीय। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब के वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है सो आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ एंगकोर वट, एक टेम्पल है जिसका नाम है एंगकोर वट, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, आपके ऑप्शन है थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और म्यांमार। जो ये टेम्पल है ये लोकेटेड है कंबोडिया में, यानी कि एंगकोर वट जो टेम्पल है ये लोकेटेड है
कंबोडिया में, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, कंबोडिया में लोकेटेड है एंगकॉरवट टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखिए, कंबोडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, हु रोट रामकृतमानस, एक बुक है जिसका नाम है रामकृतमानस, इसको किसने लिखा है, वेदव्यास, कालिदास, तुलसीदास और पाणिनि। इसका जो राइट आंसर है वो है तुलसीदास, तुलसीदास ने बुक लिया जिसका नाम है रामकृतमानस, तुलसीदास इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, SSC के वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले, सो आपने याद रखना है रामकृतमानस जो है इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है सॉरी रामकृतमानस जो बुक है इसको लिखा है तुलसीदास ने। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, द रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी मूव्ड इन, जो रेजोल्यूशन होता है वाइस प्रेजिडेंट को रिमूव करने का वो कहाँ पर मूव करना चाहिए, यानी कि पास होना चाहिए। आपके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और एनी हाउस, यानी कि इन तीनों में से कोई भी हाउस। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, इसको इनको जब हम इनके ऑफिस से हटाना चाहते हैं यानी कि इनको रिमूव करना चाहते हैं इनके ऑफिस से, तो हमें पास करवाना पड़ेगा राज्यसभा से, यानी कि ये चेयरमैन भी राज्यसभा के ही होते हैं, इनको रिमूव कराने के लिए प्रोसेस भी कहाँ से स्टार्ट होगा, राज्यसभा से, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, राज्यसभा से इनकी जो रिमूवल का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन राज्यसभा। जो लोकसभा होता है इसको बोलते हैं लोअर हाउस, लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, उसके बाद जो राज्यसभा होता है इसको बोलते हैं अपर हाउस, अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा का, राज्यसभा को। जो मेन पावर होती है यानी कि जो मेन लीडर होता है वो लोकसभा के चेयरमैन का होता है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके पास मेन पावर होती है जो लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। ये एक नॉमिनी होते हैं जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, सारी जो पावर होती है वो होती है लोकसभा के पास। नेक्स्ट देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन, आपको पता है सभी को एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूँ, इसका जो क्वेश्चन आंसर होता है इसको आपने कमेंट बॉक्स में अटैम्प्ट करना होता है, जो भी कैंडिडेट लाइव नहीं देख पाते बाद में देखते हैं उनके लिए मेनली ये क्वेश्चन होता है। आपका क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट वुमेन जो स्पीकर थी लोकसभा की उनका क्या नाम था। आपके ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, नजमा हेपतुल्ला, मीरा कुमार, लास्ट है प्रतिभा पाटिल, इनमें से कौन सी फर्स्ट वुमेन थी जो लोकसभा की स्पीकर बनी थी, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होएगा दिए गए चार ऑप्शन में से। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर अटैम्प्ट करोगे। सो ये थे 40+1 41 क्वेश्चन जो हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिस भी कैंडिडेट ने इन दोनों एग्ज़ाम में से, चाहे PSPCL हो चाहे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क हो, दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम देना है उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। इन वीडियोस पर डेली 1000 से 2000 व्यूज़ आते हैं, बट मैं चाहता हूं ये व्यूज़ जो हैं ये 10,000 क्रॉस करें। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करोगे। सो मैं यही मान के चलता हूँ जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी ने इस वीडियो को एक एक ग्रुप में शेयर कर दिया है, जो भी पंजाब के, आपको पता है पंजाब के ग्रुप्स बने होते हैं उनमें आपको इस लिंक को शेयर करना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी किसी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझसे इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक दोनों पर जुड़ सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।